दोस्तों, ये कितना इजी से खुल रहा है और कितना इजी से ये लग भी रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज ये हाइड्रोलिक देखेंगे कि हाइड्रोलिक कैसे लगाते हैं। ये दोस्तों हाइड्रोलिक हम फिटिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे ये फिट किया जाता है। ऊपर हम फिटिंग किए हैं, ये देख सकते हैं कि ये 5 kg का हाइड्रोलिक है। ये देख सकते हैं इस तरह से वर्किंग करता है। अभी आपको हम दूसरा सेटिंग करके आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे फिट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये ऐसा वाला अगर आपका फिटिंग है, ये हाइड्रोलिक है तो ये 5 kg का, तो आपको क्या करना है देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे या इधर से 1.5 इंच, इधर से आपको 1.5 इंच जो है ना मार करना है, इधर से भी आपको 1.5 इंच करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, ये इधर से जो है पूरा स्ट्रेट जो देखे होंगे ना, उधर से ये आपको लगाना है। इसी लाइन पे वो यहां से आपको देखना है क्या 1.5 इंच आपका इधर आया है कि नहीं। दोस्तों पहले अंदर वाला कसना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला कर दीजिएगा तो फिर अंदर करने का नहीं करता हूं। इसके बाद आप पहले ऐसे इसे रखना है, इसके बाद फिर ऐसे घुमाना है, इसके बाद टाइट करना है। इसको अंदर भी इस तरीके से दोस्तों, आपको नीचे का भी यहां से जो 1.5 इंच छोड़े हुए ना, वहां पे भी 1.5 इंच आपको इधर करके टाइट करना पड़ेगा। ये एक साइड का दोस्तों फिटिंग कर दिए हैं, ये एक साइड का भी ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि इधर भी फिट करेंगे तभी दोस्तों ये रुकेगा। इधर का भी उससे इधर भी मेजरमेंट करना है, इधर का भी सेम 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है और नीचे से भी 1.5 इंच अंदर छोड़ना है इसको। नीचे आपको सटाक के लगाना है दोस्तों, ये मेरा टाइट हो गया, देखते हैं लगा करके ये काम कर रहा है। अगर सेम आपका दोस्तों हाइड्रोलिक है तो ये आप ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच अंदर करके और ऊपर से 1.5 इंच बाहर करके लगाइएगा ना, तो परफेक्ट काम देख सकते। खोलने वाली अपने आप जो है ना अपने आप ऊपर बैठता है और इसे करने वाली अपने आप खींच लेगा। देख सकते हो दोस्तों, ये कितना इजी से खुल रहा है और कितना इजी से ये लग भी रहा है। इस तरह से आपको ये वाला अगर सेम अगर हाइड्रोलिक है तो आपको ऐसे करके लगाना है तो परफेक्ट ये लगेगा, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। दोस्तों देखो कितना इजी से खुल रहा है, आपको 1.5 इंच अंदर से वहां से आपको इधर करना है और नीचे में भी आपको 1.5 इंच अंदर करना है और नीचे में सटा के लगाना है। दोस्तों ये देख सकते हैं, मेरा दोनों हाइड्रोलिक सही से वर्क कर रहा है।